अब मैं आपकी मुलाकात जिस मेहमान से कराने जा रही हूँ, अल्लाह ताला ने उनके कलम में जादू दिया है और उनके ब्रश में जादू दिया है, उस कैनवस पे जादू होता है जिस पे वो मुंतकिल करते हैं अपना तखयल, और उनके अंदाज और उनके फखर में जादू दिया है, इसलिए कि जिस तरह से वो चीज़ों को देखते हैं, परसीव करते हैं, जिस तरह से ऑब्जर्व करते हैं और जिस तरह से हम तक पहुँचाते हैं, वो इतना स्ट्रांग होता है कि लगता है कि जैसे वो एक सूरत हाल जीती जागती हमारे सामने आ गई है। लगता ही नहीं है कि यह रफ्ता की बात है, लगता है कि यह हाजिर की बात है। अभी इस हम उस लम्हे में, उस घड़ी में जी रहे हैं जिसको उन्होंने पेंट किया है। बहुत कम लोग हैं जिनको इस दर्जे कमाल फन हासिल होता है, और मेरे आज के मेहमान उन्हीं लोगों में से हैं, और इन्हीं चीज़ों को एक्नॉलेज किया गया है उनके उन अवार्ड्स की सूरत में, सितारा इम्तियाज की सूरत में, और बहुत सारे अवार्ड्स का नाम तो मैं नहीं ले सकूंगी, लेकिन नेशनल एंडोनमेंट ऑफ द आर्ट अवार्ड भी आपको हासिल रहा। मेरे साथ हैं आज जिमी इंजीनियर, अस्सलाम वालेकुम, एंड बहुत बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला और आपने। थैंक यू फॉर कॉलिंग मी टू दिस प्रोग्राम। सबसे पहली बात जहाँ से मैंने शुरू किया, जब मैंने आपकी पेंटिंग्स देखी, ऐसा लग रहा था जैसे वहां बैठी हुई हूँ मैं, या वहां कहीं बैठी हुई हूँ, या यहाँ बैठी हुई मैं अपने सामने देख रही हूँ, मैं इस सूरत हाल में मौजूद हूँ। इतना इतना उसका नेचुरल और इतना उसका रियलिस्टिक एक तासर। असल में आर्ट का जो ताल्लुक है वो है लेवल ऑफ एक्सेलेंस से। सही। सारी दुनिया में आप चले जाओगे तो वहाँ आर्ट की जो लेवल है ना वो हाईएस्ट लेवल पे है। सही। और अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क में अभी वो लेवल ऑफ एक्सेलेंस लोगों ने देखा नहीं है। इसकी वजह क्या रही, क्यों नहीं देखा? क्योंकि यहाँ इतना ट्रेडिशन नहीं रहा, यहाँ मिनिएचर का ट्रेडिशन रहा, ऑयल पेंटिंग का ट्रेडिशन यूरोप और दूसरे मुल्कों से हमने एक्वायर किया। सही। और फिर हमारे जो उस्ताद भी थे वो ज्यादा एजुकेटेड नहीं थे, बट दे वर ग्रेट पेंटर्स अपने लिहाज से, लेकिन वो एक रूरल चीजें पेश करते थे और अपनी तरफ से मेहनत करते थे, लेकिन वो ज्यादा दुनिया फिरे नहीं थे। सही। उन्होंने कोई यूरोप नहीं गए हुए थे, कुछ मुल्कों में नहीं गए थे, तो उनको इतना पता नहीं था कि बाहर जो काम है वो एक्चुअल किस लेवल पे हो रहा है। सही। वो किताबों में देखते थे। घाट घाट का पानी पीना आर्टिस्ट के लिए बड़ा जरूरी है कि उससे उसका तखयल भी बढ़ता है और उससे उसका जो एक्सपीरियंस है उसका आर्ट, उसमें भी पुख्तगी आती है। बिल्कुल सही। अच्छा मुझे अपने बारे में बताइएगा, आप सोशल वर्क में भी बहुत एक्टिव माशाल्लाह से, कितनी वॉक्स आपने की हैं, भले वो पीस वॉक हो, भले वो अगेंस्ट चाइल्ड लेबर वॉक हो, भले वो कैन डे हो बनाया जा रहा हो, या फिर इस तरह की और बहुत सारे ओकेजन, आप उस पर भी एक्टिव होते हैं। कोई हमारे यहाँ आर्टिस्ट इस तरह का नहीं है जो सोशल वर्क में भी इतना एक्टिव हो, इसकी वजह क्या रही है? असल में मैं 6 साल का था और स्कूल में दाखिल ही हुआ था। सही। तो मुझे स्कूल से बाहर निकलना पड़ गया बिकॉज आई फेल्ट वेरी इल, बहुत बीमार हो गया था मैं। सही। और मेरे पेरेंट्स जब मुझे डॉक्टर्स के पास ले जाते थे तो सारे डॉक्टर्सों ने कहा कि ये तो सिर्फ 3 महीने जिंदा रह गए और इनको जो करना है वो करने दो। तो मेरे पेरेंट्स भी परेशान। क्या था आपको? हाँ जी, मेरी दोनों किडनीज फेल थी, दोनों, एक नहीं दोनों। अच्छा। काम ही नहीं करती थी मुझे। अच्छा। सीवियर फॉर्म ऑफ नेफ्राइटिस था। ओके। और फंक्शन नहीं करती थी बिल्कुल। ओके। और जिस डॉक्टर के पास भी पेरेंट्स ले गए उन्होंने यही कहा कि बस इसका आखिरी वक्त आ गया, 3 महीने। बट 3 महीने गुजर गए और नथिंग हैपेंड, बल्कि मेरी हेल्थ इम्प्रूव होती रही। तो डॉक्टर्स बहुत हैरान हो गए कि ये क्या वजह है कि इनकी जिंदगी अल्लाह ताला ने बख्श दी। सही। तो वो क्यूरियस थे, तो कुछ सालों के बाद उन्होंने चेक किया मुझे और उन्होंने देखा कि मैं कोई बाहर गया मुल्कों में, कोई मैंने ट्रांसप्लांट कराया, ये कराया, लेकिन किडनी पे इतना कुछ था नहीं, डेवलप नहीं था, बाहर भी नहीं था, यहाँ भी नहीं था बिल्कुल। सही। और आपने ऐसा कुछ नहीं कराया था? नहीं जी, ना कट था ना कुछ था। सही। लेकिन उन्होंने फिर मेरी जब किडनी चेक की, सही, तो उन्होंने कहा कि ये वो किडनी नहीं है आपकी बॉडीज में, आपकी दोनों किडनी ना ब्रांड न्यू है आपके बॉडी में। तो मेरे बॉडी में ना कुदरती तौर पे 2 किडनी नई कुदरत की तरफ से। तो जब ये काम हुआ तो मुझे शुरू से ना कहीं भी मैं दुख देखता था तो मुझे लगता था कि मुझे शामिल होना है। मैं कहीं भी छोटे बच्चे देखता था, यंग बॉय,
तो मैं अपनी जेब में चीज़ होती थी कोई दे रही थी उसको दे देता था। तो मेरा जो फिलॉसफी तब से था गिविंग सही, एंड उसके बाद मैंने ये सोचा था कि कभी भी जरूरत पड़ेगी किसी इंसान को किसी इदारे को कभी इन माई ग्रोइंग टाइम और आफ्टरवर्ड आई विल बी पार्ट ऑफ दैट थिंग। किसी का दुख होगा ना तो मैं कोशिश करूंगा कि अपने जिस्म में उसका दुख ले लूं, उसका पेन ले लूं। तो इसलिए मैं लोगों के पास जाता हूं फिजिकली कि उनका पेन एलिविएट करूं, क्योंकि यूजुअली लोग सेमिनार्स में टीवी पे कहते हैं हम तकलीफ दूर कर देंगे, ऐसे नहीं होगा। मैं 2 साल बात करता रहूं मैं एक इंसान की जिंदगी नहीं बदल सकूंगा, तो इसलिए मैं उनके पास जाता हूँ जिनको जरूरत होती, जैसे ऑर्फन्स है, ब्लाइंड है, विडोज है, जेलों में कैदी है, जहाँ भी तकलीफ होती हॉस्पिटल जाता हूँ, मुझे नहीं पता होता ये कौन है लेकिन मैं हेल्प कर रहा था बिकॉज आई एम रीपेइंग हिम अल्लाह को फॉर व्हाट ही गेव मी। ओके, ये तो मुजज़ातन आप कोई मुजज़ा की बात बता रहे हैं कि अचानक दोनों गुर्दे जिस शख्स के फेल हों और वो अचानक उसके जिस्म में बगैर किसी दवा के बगैर किसी इलाज के अचानक वो जिंदगी की तरफ लौट आए, और जो एक ऐसा सूरत हाल जो डॉक्टर्स को भी समझना है कि क्यों, और आप समझ रहे हैं ये सब इसलिए हुआ क्योंकि आप लोगों की मदद करते थे। उम्र क्या थी उस वक्त आपकी? मैं 6 साल का था। 6 साल, तो ये फितरतन आपके अंदर था या आपने सीखा था कहीं से कि मुझे किसी की मदद करनी है, ये दिल में कोई उमंग उठती थी? क्योंकि मैं जब छोटा था तो मैं पेरेंट्स को देखता था कि दे वर डिप्रेस, सही, क्योंकि 6 ईयर का बच्चा समझदार होता है, तो मैं देख रहा था कि दे फिक्र है, लेकिन मैं जैसे नॉर्मल बच्चे थे वैसे ही था। किस चीज का फिक्र और किस चीज का? कि दे विल लूज अ सन, उनको ये फिक्र थी बिकॉज गारंटी दिया था डॉक्टर ने, कोई ये नहीं की थी बात कि शायद बच जाएगा ये हो जाएगा, ऐसे नहीं हुई थी बात। इसीलिए जब मुझे कोई सवाल पूछता कि आप आर्टिस्ट भी हो, आप सोशल वर्क भी करते हो, आप ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट भी हो, पीस एक्टिविस्ट, जब मुल्क को जरूरत पड़ती तो मैं बॉर्डर्स पे होता हूँ, मैं जब गांव से चलता हूँ या पॉवर्टी जा रहा हूँ, जंगल में रह रहा हूँ, इधर रह रहा हूँ, तो इसका सवाल का जवाब यही है कि कुदरत में से काम ले रहा है और मैं कुदरत के साथ इंटरेक्ट कर रहा हूँ। सही सही। अच्छा, आप इसको इस कॉन्सेप्ट को कैसे देखते हैं? बहुत सारे लोग ये कर रहे होते हैं, उनको इसका समर उस तरह नहीं मिलता, क्योंकि हमारा जो होता है कॉन्सेप्ट बाजूकाती होता है कि हम ये करेंगे इसलिए क्योंकि हमें इससे ये चीज मिलेगी। आपने कभी कोई पर्सनल गेन भी उसमें, कुछ अपना भी कुछ होता है उसमें? इट्स ओनली गिविंग एंड गिविंग एंड गिविंग। ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल गलत है कि मैं करूं और मुझे कुछ मिलेगा, ये कॉन्सेप्ट ही गलत। बाज़ लोग ये कहते हैं हम इसलिए करें हमें सुकून मिलेगा इससे, आपके आप सुकून की भी ख्वाहिश नहीं करते। मैं आप नहीं, नहीं मैं आपके प्रोग्राम से कहना चाहता हूँ कि 99% एनजीओ फ्रॉड है, ये मैं कह रहा हूँ। आप सॉरी, इसलिए कि मैं एनजीओ नहीं हूँ लेकिन मैं मदद करता हूँ, हजारों लोगों को मदद करता हूँ, लाखों लोग में से वो करते, बट आई एम नॉट एन एनजीओ। मुझे कोई जरूरत नहीं है कि कोई मेरा कोई रजिस्ट्रेशन करूं और सारी दुनिया से मैं फंड कलेक्ट करूं, कोई जरूरत नहीं है। और कोई पावर में भी होने की जरूरत नहीं, कोई मुझे मिनिस्टर होने की जरूरत नहीं, MLA MP होने की जरूरत नहीं है, मैं वैसे ही मदद कर सकता हूँ लोगों को। ठीक, तो मैं कहता हूँ कि सिर्फ अल्लाह के लिए कोई करे काम तो फिर उसको मांगने की जरूरत ही नहीं होती कुछ। सही। और मैंने आज तक अपने लिए कुछ नहीं मांगा क्योंकि उन्होंने तो दे दिया है मुझे। सही। तो मैं तो उसको वापस कर रहा हूँ। ये आप जिस स्पिरिचुअलिज्म की बात कर रहे हैं और आप जिस सोच की बात कर रहे हैं, बड़े बड़े सॉरी हमारे जो उलमा हजरात हैं, बड़े बड़े मौलवी, बड़े बड़े मजहबी, बड़े बड़े रिजिड जो लोग होते हैं उनके अंदर भी नहीं होता। वो भी अपनी इबादत इसी चक्कर में कर रहे होते हैं कि हमें जन्नत मिल जाएगी, वो इसीलिए कर रहे होते हैं कॉन्सेप्ट कि हमें इसमें नामवरी मिल जाएगी, एक हमें नेक नामी का एक स्टैम्प मिल जाएगा। सो हमारे भी बड़े खूबसूरत लोग ऐसे हैं, रिलीजियस हैं, जो अच्छा सोचते हैं, आलिम है, बड़े बड़े, लेकिन मेरा मतलब है कि अल्लाह ताला से मांगने की जरूरत ही नहीं है। सही। को वैसे ही पता है सब कुछ। लेकिन इसीलिए मैं सूफी वे ऑफ लाइफ फॉलो करता हूँ और मैं शागिर्द था सूफी बरकत अली का। अच्छा। जो फैसलाबाद के थे। सही। मैं उनके पास जाया करता था, कुरान महल में बैठता था। ही डाइड इन 96।
सही। मैं जब 94 में कराची से पिशावर पैदल चल रहा था सारे गांव से होता हुआ, तो मैं ऑफ रूट जाके उनको मिलने गया था 2 ईयर्स बिफोर हिज डेथ, तो उन्होंने मेरे लिए दुआ भी की थी। और 1979 में जब मैं उनके पास बैठा हुआ था तो एकदम वो उठ खड़े हुए और उन्होंने अपनी गद्दी पे मुझे बिठा दिया और सारे लोग वहाँ बैठे थे, वो हैरान थे, वो सोचते थे कि पता नहीं मैं कौन। और उन्होंने वहाँ जो बच्चे थे सारे जो प्रिजनर्स के बच्चे और पुअर गर्ल, उनको कहा नेशनल एंथम पढ़ो, तो नेशनल एंथम गा रहे थे, मैं उनकी गद्दी पे बैठा। जब नेशनल एंथम खत्म हुआ सूफी साहब ने मेरा हाथ पकड़ा और उन्होंने सिर्फ मुझे एक बात कही थी, उन्होंने कहा था कि जो भी करो पाकिस्तान के लिए करना, बस। तो मुझे वही याद है कि पाकिस्तान के लिए करना, यही कॉन्सेप्ट है जिसकी वजह से ये मुल्क कायम दायम है, जिसकी वजह से इस मुल्क पे आंच नहीं आ सकती। इसलिए कि जो हालात और वाकयात और जो वो लोग जो अरबाब इख्तियार और इक्तदार हैं उनकी कभी भी हमें नेक नियती और कभी भी सही एक दानिशमंदाना फैसलों की सूरत में और पॉलिसीज की सूरत में कुछ नहीं मिला, सिवाय इन बेलॉस दुआओं के जो अवाम की सूरत में और आप जैसे लोगों की तरफ से जो बेलॉस कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं और करना चाहते हैं। हम कंटिन्यू करेंगे बातचीत, लेकिन उससे पहले लेना हमें एक छोटा सा ब्रेक और फिर आएंगे वापस। खुश आमदीद, मेरे आज के मेहमान बहुत रिनाउन पेंटर, आर्टिस्ट और सोशल वर्कर जिमी इंजीनियर। हमारी गुफ्तगू का सिलसिला जहां पे टूटा था वहीं से मैं जुड़ने की कोशिश करूं, थोड़ा पीछे आऊंगी। आप जो बातें कर रहे हैं उसके लिए सुना पारसी ओरिजिन आपका, वालदैन जो है वो पारसी मजहब से ताल्लुक रखते थे। मैं पैदा पारसी खानदान में हुआ, सही, लेकिन फिर मैंने देखा कि तकलीफ तो सबको हो रही है, बेशक मुसलमान हो, हिंदू हो, क्रिश्चियन हो कोई, तो मैंने फिर सारे मजहब अपना लिए। अच्छा। क्योंकि मैं समझता हूँ कि इंसानियत का मजहब सबसे बड़ा होता है, और क्योंकि हम प्रेजिडिस होते हैं, कोई हिंदू को तकलीफ है तो हम सोचते हैं कि इसको मदद की जाए या नहीं की जाए, या कोई मुस्लिम होता है तो क्रिश्चियन लोग सोचते हैं कि उसको करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल। तो वो प्रेजिडिस और सारी चीजें को खत्म करने के लिए मैंने सारे मजहब अपना लिए, और मैं समझता हूँ कि इस्लाम को फॉलो करो तो एक मुसलमान हुक्मरान हो तो उसमें गरीब इंसान होना ही नहीं चाहिए। बिल्कुल। किसी इंसान को तकलीफ होनी चाहिए, क्योंकि वहाँ क्लियरली लिखा है कि आप सबको देखो कि जस्टिस मिले, सबको आप शेर दो। बिल्कुल। हजरत उमर फारूक ने कहा कि अगर नील के किनारे एक कुत्ता भी भूखा मर जाएगा तो उमर से उसके बारे में सवाल होगा, तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है ये फील उनकी थी और एहसास जिम्मेदारी इस लेवल का था, तो वो यकीनी तौर पर इस तरह से उन्होंने सेटअप्स बनाए। दूसरा हमारा जो सबसे बड़ा मसला है वो ये है कि तकलीफ सपोज गाँव में है लोगों को, तो उसका डिस्कशन करते ये 5-स्टार होटल में। हाँ जी। तो मैं उनको कहता हूँ कि जहाँ तकलीफ, वो बंदे जिसने गांव देखा ही नहीं है जिंदगी में कि वो, तो जहाँ तकलीफ होती है मैं कहता हूँ वहां जाओ। फिर वो कहते हैं पॉपुलेशन इतना एक्सप्लोड हो गया, ये हो गया, तो मैं कहता हूँ कि आप लोग मीटिंग करने जर्मनी जाते हो, स्विट्जरलैंड जाते, बच्चे हमारे गाँव में पैदा होते हैं विलेजेस में, आप वहां जाए ना, सही, वहां जाके सोल्व करें। तो हम इश्यूज को सोल्व नहीं करते, हम सिर्फ उसको एक फैशनेबल तरीके से ना उसको लोगों के सामने पेश करते हैं। सही। तो विल नहीं होती है हमारे में, सिंप्लिसिटी नहीं होती है, हम इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियों में गरीब के पास उतर के जाते हैं तो वो वैसे ही शिकार होता है कॉम्प्लेक्सेस का, तो उसको क्या हेल्प करेंगे। बिल्कुल। और जब मैंने अब ये सारी बातें जो है, ये सारे दुखड़े रो चुके हम बहुत बार, हर दफा हमने सोचा शायद अब वक्त बदलेगा, शायद अब रविश बदलेगी, शायद अब अंदाज बदलेगा, कुछ नहीं बदला, इतने सारे अरसों में कुछ नहीं बदला, ना कुछ बदलने जा रहा है। हर कोई उन्हीं दावों, उन्हीं वादों, इन्हीं बातों के हमारे साथ वादे करके आता है, और जब आ जाता है तो अंदाज वही, गाड़ियां भी वही होती हैं, डिमांड्स भी वही होती हैं, रविश भी वही होता है, चलन भी वही होता है, हमारी जलन और कुड़न भी वही होती है, इसका क्या नतीजा निकलेगा। अब जैसे हमारे फाउंडिंग फादर है कायदे आजम, उन्होंने कहा 3 अल्फाज दिए, यूनिटी, फेथ, डिसिप्लिन। ना हम यूनाइटेड हैं, ना हमारे में फेथ है,
सिर्फ ड्राइंग रूम में फेथ है, बाहर नहीं है फेथ, और डिसिप्लिन नहीं है, डिसिप्लिन भी नहीं है। हम बहुत इनडिसिप्लिन लोग हैं अपने मुल्क में, लेकिन बाहर हम इंसानों की तरह बिहेव करते हैं। हम सिर्फ हमारे बॉर्डर्स क्रॉस कर लें, किसी मुल्क में चले जाए, वहाँ बिल्कुल इंसान बन के रहते हैं, लेकिन हमारे मुल्क में हम ऐसे बिहेव करते हैं जैसे हमें कोई तमीज नहीं है, किसी ने सिखाया नहीं, किसी ने समझाया नहीं। तो आप मुझे बताएं कि एक मुल्क को जब बाहर के लोग क्रिटिसाइज करते हैं, तो इसलिए नहीं क्रिटिसाइज करते कि हमारे सर पे सिंग है या हमारी आंखें बड़ी है या नाक छोटा है, नहीं, वो हमारी हरकतों की वजह से रंग गंदमी है। लेकिन हरकतें जो हम अपने मुल्क में करते हैं, नॉट बाहर, आप बाहर यूएसए चले जाओ, पाकिस्तानी बड़े वेल बिहेव्ड होते हैं। आप लंदन चले जाओ, यूरोप चले जाओ, दे आर द मोस्ट वेल बिहेव्ड पीपल। जी, जो पाकिस्तान कहा जाता है और जो इस तरह के जो वो है, वो उस टर्मिनोलॉजी को इन सूरत हाल में इंटरप्रेट करते हैं ना, क्योंकि वो यहाँ पे देखते हैं। आपका काम बहुत खूबसूरत है, जो आपका पेंटिंग्स है, जिस तरह से आप सोचते हैं और महसूस करते हैं, उसके साथ तो आना चाहिए था कोई एब्स्ट्रैक्ट इस किस्म का, जिसको 10 लोगों को मिलकर समझना पड़े कि क्या बनाने की कोशिश की गई है और क्या इसमें पेंटर दरअसल क्या कन्वे करना चाह रहा है। आपकी जो इमेजिनेशन है उसमें दुनिया को आपने बड़ा खूबसूरत देखा है और दिखाया है, और बहुत नजदीक से देखा है हकीकत के, और हकीकत को बड़ी खूबसूरती के साथ मुंतकिल किया है कैनवस पे। ये कैसे? इसकी खास वजह यह है कि मैं एक तालिब इल्म हूँ अभी भी, और तालिब इल्म भी हूँ अल मुसव्वर का। वाह, तो सबसे बड़े मुसव्वर है, तो इसलिए मैं अभी सीख रहा हूँ और सारी चीजें पेंट करता हूँ, सारे सब्जेक्ट्स पेंट करता हूँ। और मैं मास्टर तो कभी नहीं होऊंगा, क्योंकि मास्टर तो एक ही होता है। तो और दूसरी बात है कि मैं चाहता हूँ कि मैं वो काम करूँ उस तरीके से करूँ जो दूसरे लोग नहीं कर सकते, दूसरे लोगों की सोच नहीं जाती उस तरह, क्योंकि मैं आज तक कमर्शियल गैलरी में नुमाइश नहीं की। अच्छा, जानबूझ के नहीं की? मैंने और जगहों पे की, लेकिन कमर्शियल गैलरीज में नहीं की मैंने। सही। मैंने हमेशा पाकिस्तान को प्रमोट करने के लिए यूरोप में गया हूँ, लंदन गया हूँ, अमेरिका गया हूँ, हर जगह गया हूँ, लेकिन मेरे जेन के पीछे ये होता है कि मैं पाकिस्तान को प्रमोट करूँ, और लोग बाहर के लोग ये सोचे कि पाकिस्तान में भी अजीम पोएट, राइटर्स, रिफाइंड लोग हैं, अच्छे लोग हैं, सारे दहशतगर्द नहीं है, सारे अनरूली लोग नहीं है। तो इसलिए मैं अब ये जो आपने पेंट किया हुआ है इमेज, ये कितना खूबसूरत है, इसे देख के कोई भी सोच सकता है। इनके कल्चर भी है, इनकी ट्रेडिशन भी है, इनके यहाँ आर्किटेक्ट भी है, रंग भी है इनके यहाँ, और एक एक तर्ज रहन सहन भी ये है। सेंट्रल एशियन आर्किटेक्ट, ये अब मैंने जो पेंट किया, ये मैंने बादशाह दिखाया और सूफी सेंट दिखाया, दाता दरबार और जो शीश महल है वो दिखाया। सही। मैंने कंपेयर किया एक बादशाह और सूफी सेंट। तो ये असल में मैंने ये पाकिस्तान को प्रमोट करने बाहर के मुल्कों में ये सारी पेंटिंग्स पेंट की है। मुझे ये बताइएगा, कभी कभी अक्सर लोग जो इस तरह से करते हैं फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं एक टाइम पे, कहते हैं यार क्या सारे जहां का दर्द हमारे जिगर में है, ये हमने ठेका लिया हुआ है कि हम ये भी करते रहे वो भी करते, थक जाते हैं। एक टाइम पे आता है वो गिव अप कर देते हैं, वो कहते हैं छोड़ो बहुत हो गया, यहाँ कुछ नहीं बदलना, यहाँ कुछ नहीं होना, हाँ मैं भी अपनी जान खपा रहे हैं ये वो। कभी आपके साथ ऐसा हुआ? ये वो लोग होते हैं जो काम कुछ नहीं करते। अच्छा। सिर्फ यही कहते हैं। सही। जिसने काम करना होता है वो थकता नहीं है। मैं जब पैदल चल रहा था या वॉक्स करता हूँ, मैं 40 किलोमीटर दिन में चलता था, 30-30 किलोमीटर चलता था, कोई एक्सरसाइज नहीं की मैंने, कुछ नहीं की। हमारे यहाँ एक बंदे को आप 40 किलोमीटर इस फिक्र में चला लें कि आप मोटे हो रहे हैं, दुबले होने के लिए इतना चलना पड़ेगा, इस फिक्र पे वो हरगिज नहीं चलेगा कि मुल्क के लिए, किसी कॉज के लिए मैंने इतनी वॉक करनी है। दूसरी बात है, जो कॉजेज के लिए भी लोग करते हैं लॉन्ग मार्च, फलाना मार्च, वो भी बसों में बैठ के, गाड़ियों में बैठ के, मैं पूरी सड़कों से पैदल चल चल के धूप में, क्योंकि मैं देख तो कभी ये सूरत हाल हुई कि चलते चलते थक कर पूछा हमसे पाओं के छालों ने, बस्ती कितनी दूर बसा ली दिल में रहने वालों ने। ऐसा कभी जेन में नहीं आया, क्योंकि मैं देखने चाहता था चल चल के कि ये हमारा जो मुल्क है इसमें क्या मसले मसाइल है, और लोग जब बात करते वो ना कभी गए वहाँ ना उन्हें देखा, और वो बात करते इतने ऐसे तरीके से जैसे वहाँ रहते थे, तो मैं खुद देखने चाहता था। तो क्या समझ आई आपको? मैंने समझ आई कि इतनी सफरिंग है,
जहाँ से जानवर पी रहे पानी और बीमार है जानवर, वहां से इंसान पी रहा है पानी, और बीमार जानवर और इंसान इकट्ठे रह रहे हैं, और उनको कोई फैसिलिटी, सिविक फैसिलिटी है ही नहीं। पूरे सिंध में मैं ट्रेवल किया, हर गांव में गया, एक टॉयलेट नहीं था, एक विलेज में नहीं था। मैं उन्हीं तरह रहा क्योंकि मैं समझना चाहता था कि इनके ऊपर क्या मुश्किलात गुजारते। हॉस्पिटल्स नहीं है, स्कूल्स नहीं है, बस कागज पे है, न्यूज़पेपर में है, टीवी पे बता देते हैं, इधर बता देते हैं, रिपोर्टें बता, नहीं है कुछ। और मैं आपको बताऊं कि मैंने प्रपोजल भी दिया 1995 ये सारा करने के बाद कि आप मोबाइल स्कूल्स बनाओ, वो नहीं आ सकते आपकी तरफ, आप पहुंचो। असल अल्लाह ताला कहता है कि जिसको तकलीफ है ना उसके पास आप पहुंच जाओ, बिल्कुल उसको ना बुलाओ अपने पास। हाँ। तो ये बुलाते अपने पास, ये तो यहाँ पे तो फिलॉसफी हम अल्लाह ताला की थोड़ी अडॉप्ट करते हैं। हम तो कहते हैं प्यासा कुएं के पास आता है। आपको प्रॉब्लम है, आप चल के आए मिनिस्ट्री में, कोई धरना दें, कोई बवेला करें, अगर आपकी आवाज इतनी ताकतवर होगी कि उस पर धरथली जरा मिट जाए तो सुनी जाएगी हो सकता है, और अगर नहीं तो फिर चलता है दुनिया में सारा कुछ। कुछ लोग जो है वो बेचारे आते ही इसलिए है कि वो जिंदगी की मुशक्कत काट कर यहाँ से चले जाए। और फिर जो वो गरीब लोग है ना, उनसे भी मैंने कई गुफ्तगू की, वो भी सोचते हैं कि ऊपर से कोई फरिश्ता आएगा, उनको हेल्प करेगा और उनके मुश्किल। फिर मैं हैरान होता हूँ कि टीवी पे हमारे पॉलिटिशियन 18 करोड़ आवाम, 18 करोड़, मैं समझता हूँ कि 2-3 करोड़ भी उनकी आवाज सुन लेना तो काफी है, बाकी को तो पता ही नहीं है इतने मसले मसाइल में। वो तो कभी ना सुनते हैं इनको ना देखते हैं, उनको पता ही नहीं होता। तो ये 18 करोड़ ये बोलते रहते हैं, मुझे समझ नहीं आती ये किस 18 करोड़ को खिताब कर रहे, किस 18 करोड़ आवाम से बात करते जिनके पास कोई कम्युनिकेशन नहीं है, कुछ भी नहीं है। मुझे बताइएगा, आपको भी ह्यूस्टन में एजाजी सिटीजनशिप भी दिया गया और एजाजी एम्बेसडर भी आपको बनाया गया, और जिन अल्फाज में कहा गया वो बड़े खूबसूरत हैं कि आप एक ऐसे शख्स हैं जो नुमाइंदगी कर सकते हैं, हमारे शहर को प्रमोट कर सकते हैं। सो मेयर, मैं आपको ये एजाज देता हूँ कि आप हमारे मुल्क के नुमाइंदा होंगे आज के बाद से। पाकिस्तान में तो आपको इस तरह का एजाजी एक सर्टिफिकेट नहीं कि यू कैन रिप्रेजेंट अस ऑन द मैप ऑफ वर्ल्ड बीइंग, देखें पाकिस्तान में दहशतगर्द नहीं है, यू आर अ पर्सन जो एक एक मसलक अपने अंदाज से ह्यूमैनिटी को सर्व कर रहा है और करता है। हमारे यहाँ ये भी लोग हैं, हम लोग इस तरह से भी इन लोगों को भी एक्सेप्ट भी करते हैं, गले से लगाते भी, ये भी हम ही में है। अब मेरे जो पेरेंट्स हैं और मेरे भाई बहन है वो सब अमेरिकन नेशनल है, सही, मैंने अपनी नेशनलिटी नहीं बदली, वो 30 साल से वहीं रह रहे हैं। आपको वैसे इस पे कहते क्या है जी? कुछ कहते तो होंगे पेरेंट्स? हाँ, वो कई दफा कहते हैं कि हालात देखो, ये देखो। मैंने कहा नहीं, पाकिस्तान के लिए रहना और काम यहीं करना। सही। तो मैं जब ह्यूस्टन में अभी नुमाइश की थी मैंने, तो वहाँ के जो मेन स्ट्रीम अमेरिकन पेपर है उन्होंने पूरा सफा मेरे ऊपर लिखा। तो मेयर के, वहाँ के मेयर के ऑफिस से काउंसिल मेंबर आया मेरे नुमाइश में और कहता है कि मेयर साहब ने आपको ये प्रोक्लेमेशन ना साइन करके ओरिजिनल आपको मैं पेश करने आया हूँ। और वहाँ वो काउंसिल मेंबर बोला कि हम चाहते हैं कि आप ह्यूस्टन को दुनिया में प्रमोट करो। तो मैंने उनको कहा मैं तो फिलहाल पाकिस्तान को प्रमोट कर रहा हूँ क्योंकि वो मेरा मुल्क है, यहाँ मैं पैदा हुआ था और मैं भी यहाँ मैं मर जाऊंगा। तो लेकिन उन्होंने मुझे पेश कर दिया। शायर मशरक अल्लामा मोहम्मद इकबाल साहब, और आपने पेंट किया है पूरे का पूरा जावेद नामा उनका, उसको आप एक एक फॉर्म में लेकर आए, वो काम कैसा ये लगा? 82 में मैंने कंप्लीट किया था। मेरी मुलाकात हुई थी डॉक्टर जावेद इकबाल साहब से, सही, इलामा इकबाल साहब के बेटे जो है। उन्होंने मुझे कहा कि मेरी फादर की बड़ी ख्वाहिश थी, उन्होंने लेटर में भी लिखा कि कोई शख्स जावेद नामा पेंट कर ले। लेकिन साथ साथ उन्होंने और भी चीजें लिखी थी, उन्होंने लिखी थी कि जावेद नामा जो शख्स पेंट करेगा उसका दुनिया में बड़ा नाम होगा। ये इलामा साहब कहते हैं, और साथ साथ ये भी कहते हैं कि एक आम मुसव्वर जावेद नामा पेंट भी नहीं कर सकेगा, क्योंकि कई आर्टिस्टों ने, बेजाद ने, चुगताई ने, सब ने ट्राई किया लेकिन पूरा नहीं कम्प्लीट किया। तो साथ उन्होंने ये लिखा है कि सिर्फ आर्टिस्ट नहीं पेंट कर सकता, जिसमें इलम इलाही होगी
वो शख्स ही पेंट कर सकेगा। तो जब इकबाल एकेडमी ने मुझे पूछा कि आप इलामा इकबाल जो हमारे सबसे बड़े पोएट है उनकी ख्वाहिश पूरी कर सकते हो, मैंने कहा मैं कर सकता हूँ। तो उन्होंने कहा कि हमें एक स्केच बनाओ या हमें एक छोटा सा बना के दिखाओ एक सीन कि आप कर भी सकते हो कि नहीं। मैंने कहा वो काम नहीं मैं करूँगा। तो उन्होंने कहा जगह कौन सी है, तो डॉक्टर साहब ने कहा ये दीवार है 15 फुट बाय 10 फुट। तो मैंने कहा मैं यहाँ से शुरू करूंगा और यहाँ एंड कर दूंगा। एक साल के बाद मैंने एंड कर दिया इसको और इसमें बड़े खूबसूरत पैगाम है। इसमें एक सीन है जहाँ जमालुद्दीन अफगानी नमाज लीड कर रहे, सईद अलीम पाशा भी है दोस्तों, और नमाज के बाद वो बैठ जाते हैं और पॉइंट कर रहे नीचे। सही। तो वो पूछ रहे हैं कि क्या आप दिखा रहे हैं, वो कह रहे ये रूस है ना, रूस रशिया, ये टूट जाएगा। ठीक है। अच्छा तब टूटा नहीं था, टूट जाएगा। और मैंने जब कुछ रशियन लोगों को कहा कि मैंने ये पेंट किया है कि रूस टूट जाएगा तो वो हंस रहे थे। जब वो टूट गया फिर उनको मैंने पूछा कि अब आपको कैसे लगा जो मैंने पेंट किया उस पर, तो इलामा साहब ने तब प्रिडिक्ट किया था कि रूस टूट जाएगा। क्या बात। अच्छा फिर एक सीन है, मैं आपको एक और सीन का बताता हूँ कि पुराने जो बुत है ना लात मुनात वगैरह वो आग के इर्द गिर्द खुशियां मना रहे हैं। अच्छा। तो हाँ जी, तो इलामा इकबाल का रूमी से पूछते हैं कि ये क्या खुशियां मना रहे हैं, तो वो कह रहे हैं कि ये मुसलमानों में जो ना इत्तफाकी है इसकी खुशियां मना रहे हैं। तो ये सारे पैगाम है, पूरे दुनिया के लिए पैगाम है इस पेंटिंग में। बिल्कुल। तो ये मैंने 92 में कंप्लीट किया एंड आई होप कि मैंने इलामा साहब की ख्वाहिश पूरी कर दी। बिल्कुल। आप कॉलर्स हमारे साथ हैं उनको भी शामिल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम असद, क्या हाल है आपका? अल्लाह का करम है मैडम। पहले तो मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि आप आजकल दामी में बहुत कम नजर आ रही हैं। वक्त नहीं मिलता यहाँ पर, इतना वक्त लगता है। ये जो हमने आपको अदनान समी खान साहब का इंटरव्यू दिखाया है ये मैंने परसों रात को 3 बजे रिकॉर्ड किया, तो अब उसके बाद मुमकिन नहीं है। जी कुछ पूछना चाहूंगा। जी कीजिए। तो मैं मुल्क के मौजूदा हालात के हवाले से पूछना चाह रहा हूँ कि जो मुल्क के मौजूदा हालात हैं तो इनमें क्या, जिमी साहब से पूछना चाह रहा हूँ, आप नहीं समझते कि तमाम सोशल वर्कर्स को एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा होना चाहिए और एक प्लेटफॉर्म से ना मुल्क के लिए कंट्रीब्यूट करना चाहिए? और मेरा दूसरा सवाल ये है कि क्या आप समझते हैं कि जो हमारे मुल्क में तब तक खुशहाली नहीं आ सकती जब तक हमारे गरीब तबके को ना या मिडिल क्लास तबके को आगे नहीं लाया जाएगा? सही। मुल्क पर इस वक्त शुरू से 47 से लेकर आज तक ना वडेरों का कंट्रोल रहा है, वडेरा सिस्टम रहा है हमारे मुल्क में। सही। तो हम कैसे इस वडेरा सिस्टम से जान छुड़ा सकते हैं या कैसे फाइट कर सकते हैं इसके खिलाफ? साथ रहिए। और सवाल भी मैं पूछना चाहूंगा जिमी साहब से कि क्या आपको वडेरा सिस्टम ने तंग किया शुरू से आज तक या नहीं? हाँ, ये भी बहुत अच्छा सवाल है, साथ रहिएगा। और इस आखिरी सवाल से शुरू कर लेते हैं इस कॉन्टेक्स्ट में कि लोरा लाई बलूचिस्तान से ताल्लुक है आपका, और बलूचिस्तान वैसे भी कहा जाता है कि वहाँ इतने प्रिविलेजेस नहीं हैं, तालीम नहीं है, इतनी सहूलियात नहीं है, और संगलाख चट्टानों में से एक नरम और हसास दिल जो है और उसके साथ एक जरखेज जहन जब वो चलता है आगे, तो जिंदगी के सफर में क्या क्या मुश्किल रही, आपको नहीं तंग किया ये फ्यूडल्स ने, ये ताकतवर लोगों ने? बिल्कुल। असल में बलूचिस्तान की वजह थी कि वहाँ लोग चाहते ही नहीं थे कि लोगों को तालीम मिले। सही। और वो अकलमंद बन जाए। कई सालों तक तो यही होता रहा सारा, और वहाँ जो भी काम करने चाहता था उनको करने ही देते थे। लेकिन अब वहाँ काम हो रहा है। सही। स्कूल्स भी सेटअप कर रहे हैं और लोगों को शऊर भी आ रहा है और आपके मीडिया के थ्रू भी लोगों को समझ आ रही है। तो मेरा मतलब अब काम होना शुरू किया आफ्टर सो मेनी इयर्स। सही। अच्छा, आपने क्या क्या मुश्किलात फेस की बलूचिस्तान से और एक ऐसे इलाके से निकलना और आगे आना? क्या आपको ये फाइल सिस्टम, ये सरकारी सिस्टम, किसी बंदे ने कहा नहीं चुप करो ये तुम क्या बातें करते हो, खामोश, आज के बाद आप किसी जगह पे इस तरह की बात करते नजर ना आए? असल में मैं पैदा तो हुआ था लोरा लाई में, सबसे पसमंदा इलाका, लेकिन मैं वहां रहा नहीं बलूचिस्तान। ठीक है। और मुझे जब मैं लाहौर में था तो मुझे पूछते थे कि आपका कौन सा सूबा, तो मैं कहा मैं पाकिस्तान है। तो जब मैं सिंध आ गया तो पूछा तुम्हारी डोमिसाइल क्या, मैं कहा मुझे तो पता नहीं कि मेरी डोमिसाइल क्या है।
क्योंकि मैंने कभी ये सोचा ही नहीं कि मैं पंजाब का हूँ या सिंध का हूँ या फ्रंटियर का या बलूचिस्तान का, मैं तो पाकिस्तानी हूँ। मैंने आज तक कभी नहीं कहा कि आई एम फ्रॉम पंजाब एंड सिंध, और मैं समझता हूँ कि वी आर ऑल पाकिस्तानी, हम कोई नहीं है ये पंजाबी और सिंधी और जो करते हैं। बिल्कुल। दूसरा सवाल उनका ये था कि ये वडेरा सिस्टम, ये जागीरदाराना निजाम जो कि ना चाहते हुए भी फिर हमारे ऊपर मुसल्लत है, अब इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव भी हमारे माशाल्लाह उसी रीजन से और उसी तरह से आते हैं, तो कैसे इसे जान छुड़ा सकते हैं हम? एजुकेशन से। हम देखें ना, स्कूल्स नहीं बना सकते, तो मैंने कई दफा प्रपोजल किया कि ये जितनी मस्जिदें हैं, लाखों मस्जिदें हैं, ये प्रेयर टाइम के अलावा ना, आपकी ये हिकमत अमली भाप गया है अमेरिका साहब बहादुर, इसलिए वो कहते हैं अब कोई मदरसा जो है वो चलना नहीं चाहिए। नहीं, ये मदरसा की नहीं बात कर रहा, मैं कह रहा हूँ ये प्योरली जो मस्जिद या प्रेयर्स होते हैं, सिर्फ सही मदरसा नहीं है, प्रेयर्स होते, उसमें प्रेयर के अलावा वहाँ स्कूल्स होने चाहिए उसी जगह पे, लेकिन वो एजुकेशन दे जो सारी दुनिया में एक्सेप्टेड है, क्योंकि जगह तलाश करते ना कहीं स्कूल नहीं बने, तो इनमें भी हो सकता है। दूसरी बात है कि मैंने मोबाइल स्कूल्स का कहा है कि जो बसेज होती है ना बड़ी बड़ी, इनको कन्वर्ट कर दे स्कूल्स में, और ये जाए विलेजेस में और लोगों को एजुकेशन दे। लोगों को जब तक एजुकेशन नहीं मिलेगी, उनको ये भी नहीं पता कि उनका हक क्या है, उनके राइट्स क्या है, तो जब तक उनको एजुकेशन नहीं मिलेगा, उनके हेल्थ ठीक नहीं होगा, ये जान नहीं छुड़वा सकते इन लोगों से, कभी नहीं हो सकते, ये सिर्फ बातें करते रहेंगे। बिल्कुल सही। सुमैया हमारे साथ हैं, अस्सलाम वालेकुम सुमैया। वालेकुम सलाम, कैसी हैं? ठीक, अल्लाह का शुक्र, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक, फरमाइए। जो आपके मेहमान हैं उनसे बात करनी है। कीजिए। उनसे मतलब एक तो ये मैं सुन रही हूँ, क्या कह रही है, ऊंचा बोले। एक तो ये कि उनका काम मतलब फर्स्ट टाइम कभी किसी का काम इतना अच्छा लगा है, और मतलब वैसे मुझे हालांकि इतना कोई पेंटिंग इस तरह से नहीं है, लेकिन मतलब मैं दिल से ही कह रही हूँ कि मुझे किसी का काम और किसी की सोच इतनी पसंद है यार। सही। और मतलब इनका मैंने फर्स्ट टाइम जो काम देखा था वो एटीवी के एक और प्रोग्राम में देखा था। तो एक तो ये, और दूसरे कि जो सब कुछ कंबाइन करके मतलब जो पेंट कर रहे हैं, और मतलब ये इनके जहन में आया कैसे कि सही मतलब ये सारा कुछ किस तरीके से उनके मतलब साथ कहाँ से इंस्पिरेशन थी सारा सही मतलब साथ रही वो आपके इस आर्टिस्टिक जर्नी का पूछ रही हैं कि कैसे जहन में आया कि ये लाइन पकड़नी है और किस तरह से सफर शुरू हुआ। मैं 5-6 साल का था जब पेंट वाटर कलर्स पाउडर कलर्स, मेरे वालदैन मुझे बड़ा पेपर दे के ना पाउडर कलर दे के पानी से उंगलियों से मैं डिजाइन वगैरह पेपर पे बनाता था। अच्छा। और ये करते करते मेरी इमेजिनेशन बढ़ गई। अच्छा। तो बहुत छोटी उम्र से शुरू की। सही। प्रोफेशनल तो मैं 18 साल के बाद जाके बना था, लेकिन पहले तो मैं छोटे उम्र से, तो वहां से करते हुए। और दूसरी बात थी कि मैं इमेजिन कर सकता हूँ, मैं इमेजिन कर सकता हूँ एम्प्टी सर्फेसेस पे, मैं जो भी चीज चाहूँ वो मैं देख सकता हूँ एम्प्टी सर्फेस पे, यानी जो विजुअल इतना स्ट्रांग है आपका। जैसे ये पार्टीशन की पेंटिंग है, मैं पैदा ही नहीं हुआ था 47 में, मैं 54 में पैदा हुआ था। सही। और मैंने ये पेंट किया 70s में। सही। तो मुझे ये ड्रीम्स आते थे पार्टीशन के। सही। और मैं ये देखता था ड्रीम, और फिर ये मैं मुंतकिल करता था कैनवस पे। सही। बिकॉज आई वॉन्टेड द पीपल टू रियलाइज, और मैं मुल्क की अहमियत चाहता था कि लोग समझें। सही। आज तक नहीं समझ सके, आज तक मुझे जब से पेंटिंग कर रहा हूँ 74-75 से, मैं लोगों को कहता हूँ कि पहले इसको तो समझो, ये जो लोग आए थे, और अब लोग मुझे कहते हैं कि वो तो हालात वापस हो रहे हैं, तो मैं कहता हूँ नहीं, मैं कहता हूँ उस वक्त लोग होप से आए थे, उनको होप था नया मुल्क का, अब होपलेसनेस में चल रहे हैं, और वो भी 62 साल के बाद मुल्क बनने के बाद, और 3 गुना बड़े काफले चल रहे हैं। तो मेरा मतलब है कि ये सारी चीजें मेरे जेन में आती है, और फिर मैं उसको एम्प्टी सर्फेसेस में देखता हूँ, और फिर मैं आहिस्ता आहिस्ता उसका नक्शा निकाल के ना पेंट करता हूँ। ठीक है। और अपनी सबसे पसंदीदा काम जो आज तक खुद को लगा हो? मैं भी अभी पसंदीदा काम मैंने करना है क्या जो मैं कुछ ऐसा बस यही बस के लोग सोचें
क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मेरी तस्वीरें जब देखे लोग तो सोचने पे मजबूर हो जाए, कुछ उनको इंस्पायर हो. आई वॉन्टेड टू इंस्पायर अ होल जेनरेशन कि वो भी बड़े तरीके से सोचे, बड़े काम करे और ये मुल्क को ना अजीम बना दे. यही मेरा ख्वाब शुरू से था कि ये मुल्क ना अजीम हो जाए, क्योंकि लोग इसके अजीम हैं लेकिन गाइडेंस नहीं है. सही. उनको कोई राह दिखाने वाला नहीं है, वो उनको कोई सही सोच देने वाला नहीं है. सही. तो वो इतने सालों से आप कंफ्यूज्ड हैं, उनको पता ही नहीं कि किसकी सुने किसकी ना सुने, कौन झूठ बोल रहा है कौन सच बोल रहा है, वो कंफ्यूज है. अच्छा, अब इसका हल बता दें. आपने जो सारी बातें की हैं, सारे मसले हमें बताएं. हम रोजाना यहाँ सुबह ये कोशिश कर रहे होते हैं कि चले मसले थोड़ी देर के लिए हम ना वो करें, थोड़ा उन बातों की तरफ आए, जरा हमें थोड़ा सा बेहतरी की तरफ ले चले. क्या सोल्यूशन है, हल क्या है इन सारी बातों का आपकी नजर में, किस तरह से बेहतर होगा ये सब कुछ? हल है कि हर इंसान अपना किरदार सही तरह करे, नियत से, सही नियत से, तो ये ठीक हो जाएगा. कोई करता ही नहीं है, यानी कि सारा दिन टीवी पे या मीडिया में नसीहत दे रहे हैं सारे लोग. सही. वो दूसरे को कह रहे हैं कि इस तरह करो. हाँ. लेकिन खुद नहीं कर रहे. तो जब खुद करेंगे सारे लोग तो ये प्रॉब्लम हल हो जाएगा. सही. जब जब थोड़े लोग करेंगे तो इतने करोड़ों लोगों का हल कैसे होगा? किसी फरिश्ते की किसी एक 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 वो जो ख्वाब में हमारे है कि एक दिन एक शख्स आएगा तलवार लहराते हुए कहेगा मैं आपका निजात दहिंदा हूं, और हम कहेंगे आगे आगे वो जिनका इंतजार उसको, था. उसको भूल जाए, या मुल्क के किरदार को देख के कोई फरिश्ता नहीं आने वाला. ये हमने ठीक करना, हम सब ने. सही. लेकिन आपने कहा ना सोल्यूशन, सोल्यूशन का यही है कि एक घर अपने आप को पहले ठीक करें. सही. मुझे बताइएगा आप वक्त कैसे निकालते हैं इतना, कि इतना आपने माशाल्लाह काम भी किया, क्रिएटिव वर्क. क्रिएटिव वर्क तो खुद इतना टाइम कंज्यूमिंग होता है कि आप सोच रहे हैं तो आप और कुछ प्रैक्टिकल करने के काबिल नहीं है. अमूमन फनकार उसी बंदे को कहा जाता है जो जिंदगी के कोई और काम नहीं कर सकता. हाँ. उसका काम ही सिर्फ विजुअलाइजेशन, फैंटेसी, इल्यूजन्स, इमेजिनेशन वगैरह वगैरह है. आप कैसे है कि आप इतनी तल्ख हकीकतों को देखकर भी जिंदगी को के बारे में पूरी उम्मीद है, पेंट वो करते हैं जो ख्वाब की बातें हैं? प्रॉपर अपने वक्त को इस्तेमाल करने का. मैं जैसे सर्टन आवर्स जाके स्टूडियो में पेंट करता हूँ. वो फिक्स है? हाँ जी. वो आपने तय किए? तय किया है कि मैंने जाना है स्टूडियो में पेंट करना. ठीक. सही. फिर उसके बाद मैं निकल के हैंडीकैप सेंटर्स चला जाता हूँ, या हैंडीकैप बच्चों का प्रोग्राम्स करता हूँ, ब्लाइंड बच्चों का, जेलों में चला जाता हूँ, प्रिजनर्स के साथ इंटरेक्ट करता हूँ, बेवा होती हैं उनको हेल्प करता हूँ, जो हॉस्पिटल्स में मरीज होते हैं उनको जाके किसी तरीके से हेल्प कर रहा होता हूँ. तो हेल्प भी कर रहा होता हूँ और वहां से मुझे एनर्जी भी मिलती है. सही. अब आप कुदरत के साथ लिंक हो जाए ना, हर शख्स कुदरत के साथ लिंक हो जाए तो उसको एक्स्ट्राऑर्डिनरी एनर्जी मिलती है. सही. मैं जब 40 किलोमीटर चलता था, 30 किलोमीटर, मैं थकता नहीं था. उसके बाद मैं लोगों को मिलकर पैगाम देता था, फिर नॉर्मली, और कभी बीमार नहीं हुआ. सिर्फ मैं पूरे जर्नी में साहिवाल आया तो मुझे थोड़ा सा बुखार हुआ, थोड़ा सा, फिर मैंने चल के वो भी निकल गया. सही. तो विल होना चाहिए लोगों को कि हमने करना है. यहाँ लोग कहते कल परसों, कल होगा परसों होगा, और ख्वाब दिखाते. ख्वाब नहीं दिखाना, खुद हमने पूरा करना. सही. तो सारे लोग जब काम करेंगे, सोल्यूशंस का यही है. सही. कि सारे लोग, और फिर सिंपल तरीके से हमारे जो पीपल इन पावर है या ऑपोजिशन है, जो भी है, वो अपने आप को सिंपल कर देना, सिंपल. हाँ. इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं करें तो सारी चीजें हल हो जाएगी. बिल्कुल सही. वो इतना कॉम्प्लिकेटेड करते हैं अपने आप को कि वो जो अगला आदमी उनके पास पहुंचना होता है वो पहुंच ही नहीं सकता. सही. बिल्कुल सही. वो लोगों की तरफ जाते नहीं है और लोग उनकी तरफ पहुंच नहीं सकते. तो बस कैसे प्रॉब्लम सॉल्व हो? बिल्कुल सही. बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला और आप यहाँ पर आए हैं. और आपकी बातों से जो सब लोग व्यूअर सुन रहे होंगे, एक बात जरूर तय होती है कि कन्विक्शन जहाँ पर हो, सोच जहाँ पर हो और फिक्र जहाँ पर हो, वहां पर कलम में भी पुख्तगी आती है, सोच में भी पुख्तगी आती है, शख्सियत में भी निखार होता है, खुद ब खुद आदमी जो है वो एक मस्बत सोच और एक मस्बत रवैये की तरफ मायल हो जाता है. सो कल से नहीं, आज से इन तमाम बातों का आगाज जो है वो हमें करना ही पड़ेगा अगर हमने एक बेहतरी के सफर की तरफ चलना है. तो थैंक यू वेरी मच यू ज्वाइन मी एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट. आप जैसे लोगों की हमें बहुत जरूरत है जो जहां कहीं भी हैं, जिस कैपेसिटी में भी कर सकते हैं, इस मुल्क के लिए और इस कौम के लिए काम करते हैं और काम करने को हर वक्त तैयार रहते हैं. थैंक यू सो मच.